हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर कर दिखाऊंगी, जो कि एंटीनेटल असेसमेंट का एक पार्ट है। तो एंटीनेटल असेसमेंट में मेनली हम लोग थ्री जो टर्म होता है वो आता है। इसमें पहला है दैट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, सॉरी हिस्ट्री टेकिंग। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड थर्ड वन इज़ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो जब फर्स्ट पार्ट इज़ हिस्ट्री टेकिंग, तो हिस्ट्री टेकिंग में जब मदर एंटीनेटल क्लिनिक पे आती है तो हमें उनका हिस्ट्री लेना होता है। हिस्ट्री में हम लोग इंक्लूड करेंगे उनका वाइटल स्टैटिस्टिक्स, नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड, रिलीजन और एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ आपका प्रेजेंट प्रेगनेंसी कंप्लेन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्रीज, दिस ऑल हिस्ट्रीज एंड पर्सनल हिस्ट्रीज, फैमिली हिस्ट्रीज, दिस ऑल इंक्लूड्स इन हिस्ट्री टेकिंग। अदर पार्ट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मेनली क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग जनरल ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें मेनली मदर का हम लोग टोन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स देखेंगे, कंडीशन ऑफ द स्किन ऑफ द एब्डोमिन देखेंगे, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल में। उसके बाद में जनरल जो आपका ऑब्स्टेट्रिकल्स होता है उसमें हम लोग मेनली जो हिस्ट्री जो भी हमने कलेक्ट किया था आपका पास्ट या प्रेजेंट में ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, वो आएगा आप लोगों का ऑब्स्टेट्रिकल्स हिस्ट्री में या ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में। एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इन्वेस्टिगेशंस, ऑल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, तो जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। एंड थर्ड पार्ट इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम लोग मेनली 12 वीक्स के बाद में मदर का करते हैं। तो इसका प्रोसीजर मैं दिखाने जा रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि ये मदर है, ठीक है, और ये मदर का एब्डोमेन है। तो जब भी हम लोग फिजिकल ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो मदर के राइट साइड में आएंगे और मदर को एक्सप्लेन पहले करेंगे कि आपका हम एक एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और बेबी का इससे हम लोग वेल बीइंग देखकर आपको बताएंगे कि बेबी का किस पोजीशन में है बेबी और किस उसका अभी FHR क्या है, उसका अभी हृदय गति क्या है। तो ये सब सारे चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए मदर का जो पैर होगा वो हम लोग पीछे की, मतलब कि उसका जो नी होगा उसे बेंट कर देंगे, जिससे कि एब्डोमिनल जो मसल्स होता है वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में थ्री ग्रिप्स होते हैं, फर्स्ट इज फंडल ग्रिप्स, सेकंड इज लैटरल ग्रिप, एंड थर्ड वन इज पॉली ग्रिप, एंड फोर्थ वन इज पेल्विक ग्रिप। तो फोर ग्रिप्स होते हैं। तो जो पॉली ग्रिप होता है उसे हम लोग ल्यूपॉड भी कहते हैं, ठीक है, ल्यूपॉड वन ग्रिप, और पेल्विक ग्रिप को ल्यूपॉड टू ग्रिप, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रिप होता है दैट इज फंडल ग्रिप, इसमें मेनली हम लोग इस तरीके से बेबी का जो फंडस, सॉरी मदर का जो फंडस पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग इसे स्लाइटली प्रेशर क्रिएट करते हुए इस तरह से एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो एग्जामिन करने के दौरान अगर हमें ब्रॉड इरेगुलर मास लाइक फील होगा तो दैट इज बटक ऑफ द बेबी, ठीक है, इरेगुलर ब्रॉड लाइक मास तो बटक्स होगा। अगर यहाँ पे ग्लोबुलर, हार्ड ग्लोबुलर सॉफ्ट टाइप ऑफ मास फील होगा दैट इज हेड ऑफ द बेबी। अदर देन दिस अगर लैटरल ग्रिप में अगर कॉन्टिन्यूस हार्ड रेजिस्टेंट मास फील होगा तो दैट इज बैक ऑफ द बेबी, ठीक है। अगर लैटरल में ही हम लोग इस तरीके से जब एग्जामिन करके देखेंगे लैटरल में, लैटरल में ही अगर हमें इरेगुलर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फील होगा दैट इज लिम्स ऑफ द बेबी। तो लिम्स हमेशा इस कंडीशन में होता है, ठीक है, दोनों हाथ और पैर बेबी का, जिस कारण से वो इरेगुलर टाइप का हमें नॉब लाइक फीलिंग देता है, ठीक है। तो अगर इधर हेड होगा तो इधर बटक्स होगा, ठीक है। तो हेड अगर इधर है तो दैट इज ब्रिज प्रेजेंटेशन, अगर हेड इधर होगा इनसेफेलिक प्रेजेंटेशन दैट इज नॉर्मल प्रेजेंटेशन। तो इसमें हेड जो होगा वो इधर फील होगा पेल्विक साइड में, ठीक है। तो इधर मैंने बताया फंडल ग्रिप, इधर लैटरल ग्रिप, और थर्ड हम लोग देखते हैं पॉली ग्रिप। तो पॉली ग्रिप में मेनली हम लोग इंगेजमेंट देखते हैं, हेड ऑफ द बेबी का इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं।
और जो डीप पेल्विक ग्रिप है वो मेनली 9 मंथ्स के बाद में 36 वीक्स में हम लोग मेनली चेक करते हैं कि उसका बेबी का इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं। अगर इंगेजमेंट हुआ है तो वो डाइवर्जेंट की तरह हो जाएगा, बेबी मदर का जो पेल्विक बोन होगा वो डाइवर्जेंट की तरह हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, और साथ में टच करने पे टेंडरनेस टाइप का लगेगा मदर को, ठीक है, वहाँ पे उन्हें पेन भी फील हो सकता है। और अगर बेबी का इंगेज नहीं हुआ है इंगेजमेंट ऑफ द हेड तो वो कन्वर्जन टाइप का मीन्स मूवेबल टाइप का यहाँ पे हेड फील होगा। तो दिस 4 ग्रिप्स यूज्ड इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फर्स्ट इज ये फंडल ग्रिप, सेकंड इज लैटरल ग्रिप, थर्ड इज पॉली ग्रिप एंड फोर्थ इज डीप पेल्विक ग्रिप, ठीक है। पॉली ग्रिप को हम लोग पेल्विक 1 ग्रिप भी कहते हैं और पेल्विक 2 ग्रिप भी, फोर्थ ग्रिप को हम लोग कहते हैं। उसके बाद में हम लोग मेनली FHR देखते हैं, ठीक है। तो FHR जब भी देखेंगे तो अस्कल्टेशन से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अस्कल्टेशन या ये हम लोग लगा के मेनली देखते हैं। तो इसका जो साइट होता है दैट इज स्पाइनो अम्ब्लाइकल लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले अम्ब्लाइकस के पास में, अगर इस लाइन में सीधा हम लोगों को जीफियस स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक का एरिया लेते हैं स्ट्रेट लाइन, दैट इज आपका मिडिल लाइन। इसके बाद में अम्ब्लाइकस से लेकर अगर हम लोग इधर एरिया इस टाइप से कर्व बनाते हैं दैट इज स्पाइनो अम्ब्लाइकल लाइन। तो जो साइट होता है दैट इज मिडिल ऑफ द स्पाइनो अम्ब्लाइकल लाइन, इस लाइन का मिडिल में क्या होगा, यहाँ पे FHR सुनाई देगा। तो जो भी ब्रिज प्रेजेंटेशन में ये अराउंड द अम्ब्लाइकस भी शो कर सकता है, मीन्स कि मीन्स अम्ब्लाइकस अगर यहाँ पे है तो हमें इस कहीं पर भी यहाँ पे ब्रिज कंडीशन में हमें सुनाई दे सकता है अराउंड द अम्ब्लाइकस। लेकिन अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है तो नॉर्मली ये बिलो द अम्ब्लाइकस ही यहाँ पे हमें शो हो, मतलब कि फील हो जाएगा, हमें हर्ड होगा फीटल हर्ट साउंड, ठीक है। तो हम लोग फीटल हर्ट साउंड को यहाँ पे मतलब कि फील कर सकते हैं, ठीक है। नाउ असेसमेंट ऑफ फंडल हाइट ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के दौरान जब भी फंडल हाइट हम लोग चेक करेंगे तो जस्ट आफ्टर 12 वीक्स जो फंडल हाइट फील होता है जस्ट एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, 12 वीक्स के बाद में हम लोगों को इस एरिया में यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास में हम लोग को फंडल हाइट फील होगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी ये फंडल हाइट हम लोग जब भी मेज़र करने जाते हैं तो हम लोग को जो पॉइंट याद रखना चाहिए दैट इज़ आपका 12 वीक्स के बाद में जस्ट एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस फंडल हाइट फील होता है, और अम्ब्लाइकस के पास में यहाँ पे आपका 24 सेंटीमीटर या 24 वीक्स जेस्टेशन में हम लोगों का जो फंडल हाइट फील होगा वो यहाँ पे अम्ब्लाइकस के पास में फील होगा, ठीक है। तो अम्ब्लाइकस से हम लोग जो 2 इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं बिलो अम्ब्लाइकस के बिलो 2 इमेजिनरी लाइन, जहाँ पे मेरा फिंगर है यहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को बनाते हैं, ठीक है। और एबव द अम्ब्लाइकस हम लोग 2 इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने से जो अम्ब्लाइकस और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो एरिया है वो 3 एरिया में डिवाइड हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। इसके बाद में अम्ब्लाइकस के बाद में जो हम लोग 2 इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो उसमें भी 1, 2 एंड 3 एरिया डिवाइडेड हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि वीक्स के अकॉर्डिंग उसका फंडल हाइट हम लोग को कहाँ पर मिलेगा देखने को। तो 12 वीक्स के बाद में यहाँ पर फील होता है, तो विथ फोर फिंगर्स हम लोग जो है हम लोग मेज़र करते जाते हैं, ठीक है। तो 1 जो फिंगर होता है इंडिकेट करता है 1 वीक ऑफ जेस्टेशन, और 4 जो फिंगर होगा वो 4 वीक्स ऑफ जेस्टेशन दैट इज 1 मंथ हम लोगों को इंडिकेट करेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर अगर 4 फिंगर्स हम लोग प्लेस करते हैं तो 12 वीक्स के बाद में क्या यहाँ पे फील होगा, 16 वीक्स के बाद जो 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद में यहाँ पे फील होगा। उसके बाद में फिर अगर 4 फिंगर रखेंगे तो यहाँ पे 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन फील होगा, फिर 4 फिंगर्स रखेंगे तो यहाँ पे 24। तो देखिए आप लोगों ने कि अम्ब्लाइकस के पास में 24 ऑफ जेस्टेशन के पास में फंडल हाइट फील होगा। तो ये जो एरिया हो गया वो 3 में कवर आपका हो गया, ठीक है, आपका 16, 20 एंड 24, ठीक है, यहाँ पे 24। उसके बाद में फिर 4 फिंगर्स रखेंगे तो यहाँ पे आपका 28 फील होगा, फिर 32 फील होगा, और लास्टली 36। तो 36 जो फील होता है जस्ट आपका एट द लेवल ऑफ जीफियस स्टर्नम एरिया के पास में
आपका 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के समय में आपका फंडालहाइट फील होगा, ठीक है। तो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के समय क्या होता है कि बेबी होता है वो स्लाइटली डिसेंट कर जाता है, जिसके कारण जो फीटल जो आपका फंडल हाइट होता है वो 32 वीक ऑफ जेस्टेशन जहाँ पे फील होगा वहाँ पे बेबी का ये फंडल हाइट, सॉरी यूट्रस का फंडल हाइट फील होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडल एग्जामिनेशन, जो कि हम लोग जो मेजरिंग टेप से लेकर हम लोग सेंटीमीटर्स में फंडल हाइट को मेज़र करते हैं। तो वन जो सेंटीमीटर होता है वो आपको इंडिकेट करता है वन फिंगर और वन वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। तो अगर आप लोग इस टाइप का डेमो क्लासेस का वीडियो देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।